बिहार के नालंदा में स्थित श्री श्री 108 बाबा मणिराम अखाड़ा में आज मंत्री श्रवण कुमार ने लंगोट चढ़ाकर देश की अमन सुख और चैन की दुआ मांगी। मंत्री श्रवण कुमार ने कहा, बाबा मणिराम के अखाड़ा पर आकर बाबा को लंगोट अर्पित किया है और राज्य में सुख समृद्धि शांति असद्रव प्रेम और मिल्लत के लिए बाबा मणिराम से आशीर्वाद प्राप्त किया है। बाबा से आशीर्वाद प्राप्त करके राज्य में आगे बढ़ने और बेहतर बनाने की प्रेरणा मिली है। हम सब मिलकर राज्य में आपसी भाईचारा और सौहार्द को बढ़ावा देने के लिए काम करेंगे। बाबा मणिराम के अखाड़ा पर आकर आज हम लोगों ने बाबा को लंगोट अर्पित किया है। राज्य में सुख के लिए, राज्य की समृद्धि के लिए, राज्य की उन्नति के लिए, राज्य की प्रवृत्ति के लिए, राज्य में शांति और सद्भाव के लिए, प्रेम के लिए, मिल्लत के लिए इनसे आशीर्वाद प्राप्त किया है और राज्य को आगे बढ़ाने के लिए बाबा से आशीर्वाद प्राप्त करके राज्य को और बेहतर बनाने का, राज्य में आपस में मिल्लत और भाईचारा पैदा करने की ताकत जो मिली है बाबा से, उसके अनुरूप हम सब लोग मिल करके राज्य के बेहतरी के लिए काम करें। अभी बिहार शरीफ मणि बाबा के अखाड़ा पर लंगोटा चढ़ा करके हम लोग शांति और अमन चैन का के लिए प्रार्थना किया और मणि बाबा से आशीर्वाद मांगे हैं कि नालंदा की जनता को इस सुखाड़ की घड़ी में मदद करें, बिहार में शांति अमन चैन हो, देश में शांति अमन चैन हो, यही हम भगवान से प्रार्थना किए हैं। आज गुरु पूर्णिमा का दिन है, एक पावन दिन है, उसी के उपलक्ष्य में आज जैसे हर साल की भांति इस साल भी हमारे माननीय मंत्री श्री श्रवण कुमार जी और माननीय लोकसभा सांसद श्री कौशलेंद्र कुमार जी और बिहार शरीफ विधायक श्री डॉक्टर सुनील कुमार जी और NDA गठबंधन के तमाम साथियों के द्वारा आज यहाँ पे लंगोटा चढ़ाया गया है। और मैं यही बाबा से हम लोग ने आशीर्वाद मांगा कि हमारे शहर में, हमारे ज़िले में, हमारे प्रदेश में हमेशा शांति व्यवस्था बनी रहे और सब लोग आपस में मिलजुल कर रहे हैं।